नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल हमले में सुरक्षा बलों के 21 जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं। जवानों की तलाश में आज सुबह से फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ में 24 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि मुठभेड़ में 24 जवान घायल हो गए थे। 7 जवानों को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया। कोबरा कमांडो का 1 जवान का शव बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों का दावा है कि 15 से ज्यादा नक्सली बीजापुर एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। इससे पहले शनिवार को मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें 3 जवान DRG और 2 जवान CRPF के हैं। वहीं मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर थी। ID प्लांट करने की फिराक में नक्सली घूम रहे थे। CRPF DG का छत्तीसगढ़ दौरा भी आज, पूरे इलाके का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना जताई है। वहीं मुठभेड़ के बाद आपात बैठक भी बुलाई गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की छत्तीसगढ़ के बीजापुर से मिल रही है, जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि शनिवार को 7 नक्सली ढेर हो गए थे, वहीं 5 जवान शहीद हो गए थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। अभी भी सुबह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल नक्सली जो है ID प्लांट करने की फिराक में थे और सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शनिवार से सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इलाके में तनाव का माहौल देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर क्या स्थिति है इसका जायजा लेने के लिए वहां अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जो जवान घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अभी भी 25 से ज्यादा जवान लापता है। वहीं नक्सली 200 से 300 से छुपे होने की आशंका है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को कोरोना हो गया है। अक्षय कुमार अपने ही घर में क्वारंटीन हो गए हैं, लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में हैं खिलाड़ी कुमार। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु की शूटिंग में बिजी थे। कुछ ही दिनों पहले अक्षय ने राम सेतु में अपना लुक फैंस के साथ शेयर किया था, लेकिन अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने की उन्होंने अपील की है ट्वीट के माध्यम से। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज सुबह मेरी COVID-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि मैं अभी क्वारंटीन में हूं और आप जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, वो सभी अपना टेस्ट कराएं, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और जल्द ही मैं एक्शन में वापस लौटूंगा। कुछ ही दिनों पहले अक्षय ने राम सेतु में अपना लुक फैंस के साथ शेयर किया था और फैंस को काफ़ी उम्मीद थी कि राम सेतु वाकई बहुत बेहतरीन फिल्म होगी, लेकिन उससे पहले ही अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।